हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आई एम आवर फ्रेंड तनीषा एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज मैं आपको तो फ्रेंड्स मैंने लिया है ये किसान का जैम, तो अब हम इस पर लगाएंगे बैड पे। तो मुझे तो आता नहीं है वैसे कैसे लगाते हैं, तो अभी देखते हैं लगाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा लग गया है जैम और हम उसे टेस्ट करेंगे। अभी
आपको रात को ये चने और मूंग की दाल को ऐसे रात को भिगो देना है, फिर आप सुबह उठ के इसे देख लेना है, फिर ये सही हो जाएंगे। और आप उसका आप मैं आपके आगे बताती हूँ कि क्या करना है हमें। और आप सुबह उठ के इसको मिल्क के साथ उबाल लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं। स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये मूंग की दाल और मैंने स्प्राउट्स को बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में रखा है, तो फिर आप मैंने इसमें कम सॉल्ट डाला है। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी आप उतना ही सॉल्ट डालिएगा, वरना आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसे टेस्ट करके आपको बताएंगे फिर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो की रेसिपी। आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड। मुझे तो सारी रेसिपी अच्छी लगी, मैंने सारी रेसिपीज मतलब बनाई है, मतलब मैंने इनको बनाया है वीडियो में। जो अभी मैंने खाना बनाया है विदाउट फायर, वो विदाउट फायर था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ब्रेड को ऐसे वाइट कैसे किया, क्योंकि थोड़े थोड़े थॉट होते हैं वो हमें समझ नहीं आते। तो मैंने ब्रेड की ब्राउन स्लाइसिस को कट करके उसमें ऐसे कर दिया जिससे अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप घंटा हो जाए तो ऑल पे भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप ये बात याद रखिएगा, आप घर पे ही रहिए जिससे कि आपकी अच्छे से सेफ्टी होगा। और अगर आप पॉजिटिव भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं। आप बस थ्री बातों को फॉलो कीजिए, पॉजिटिविटी और मतलब भगवान से मतलब अच्छे से दिल कनेक्ट करके रखिए, और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। फ्रेंड्स, हमें मेडिटेशन में अपने मतलब कनेक्ट करना है, मतलब हमें कुछ भी ऐसे माइंड कहीं और नहीं लगाना है। बस अगर आपका एक बार माइंड भगवान से लग गया, शिव बाबा से लग गया, तो कुछ सब कुछ बिल्कुल आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचे नेगेटिव होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हंसी वाली बात है, फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और अच्छे से काढ़ा पीना है और मेंटेन करना है अपनी हेल्थ को। और मैं बताती हूँ पॉजिटिव में क्या बोलना है। आई एम कोरोना नेगेटिव, आई एम कोविड नेगेटिव आ रही हूँ मैं आत्मा कोविड नेगेटिव आ रही हूँ। और आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम कोविड नेगेटिव, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो। और आप ये बोलिएगा कि मेरे शरीर से जो भी ये COVID-19 है वो एक काले धुएं के रूप में निकल रहा है, मेरे शरीर से मतलब एग्जिट कर रहा है। और जो शिव बाबा की सतरंगी किरणें हैं वो मेरे अंदर समा रही हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थी फील होगा। और आप बोल सकते हो कि अगर आप विश्व का योग करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है, मैंने आपको बताया, तो आप उनके लिए भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पूरे विश्व की आत्मा शांत स्वरूप हो रही है, मतलब एंग्री नहीं हो रही। गुस्सा करते हैं ना बहुत से लोग, तो एंग्री नहीं हो रहे। और आप ये भी बोल सकते हैं कि पूरे विश्व की आत्माएं
शान स्वरूप होती है, पूरे विश्व से कोरोना का नाम निशान मिट रहा है, पूरा विश्व कोरोना नेगेटिव हो रहा है और सब पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस मतलब सब पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप बहुत सा योग करना सीखना चाहते हैं तो आप मैंने यहाँ पे एक नेम लिख रखा है, आप वहाँ पे जाइए। सो फ्रेंड्स इस बुरे वक्त में हमें सिर्फ भगवान की याद में रहना चाहिए क्योंकि वो ही हमारा सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत वहाँ पे मतलब उसको आपको फॉलो करना है तो आप जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नेम लिख देती हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका नेम है पीस ऑफ माइंड टीवी, आप वहाँ पे जाइए और आप अगर कोई से भी मेडिटेशन किस लेना चाहें तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ स्टे होम।